नाम सूर्यकांत त्यागी है, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली पहले से ही इच्छा थी फिल्म लाइन में, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा ठीक था। नाना मेरे एक्चुअली काफ़ी पहले से 40 ईयर से ही थे, उन्होंने हरियाणा की पहली फिल्म भी की थी और दादा फाल्के वाले फैक्ट्रेस में काफ़ी पहले से थे। मामा डायरेक्टर थे और उन्होंने वे ही मुझे लेके आए। फिर उसके बाद मैंने अपना जो भी DOP वर्क है, मैंने काफ़ी बालाजी सागर पिक्चर इवन इवन आपका एड फिल्म्स काफ़ी काफ़ी काम किया। उसके बाद मुझे लगा एक्चुअली पैसा आ रहा है लेकिन नाम नहीं है, तो मुझे खुद से ही इच्छा थी कि लोग मुझे जाने, लोग मेरे नाम को जाने, हर मुझे पहचाने मैं हूँ कौन। तो फिर मैंने एक्चुअली डायरेक्शन, मैंने बोला मुझे एक्चुअली डायरेक्ट करना है। और फिर मैंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की जो अभी पहले कुछ टाइम पहले रिलीज भी हुई है, जिससे बारे मैंने एड शूट किए हैं। अब मैं एक्चुअली एक अच्छा कंटेंट है डार्क लाइफ उस फिल्म कर रहा हूँ, और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे आयुषी फिल्म है जो हमारी कंपनी है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे टीम है, काफ़ी अच्छे लोग हैं और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं काफ़ी फ्रीडम देते हैं। और जो भी एक्चुअली सपोर्टिंग वर्क भी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमेशा सबसे आगे रहते हैं जो टीम मेंबर्स हैं, एवरीथिंग MRAP एवरीथिंग इज टीम वेरी नाइस। देखिए प्लानिंग तो कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ कटिंग्स पढ़ी थी न्यूज़ में, तो एक रियल घटना लगी है, कहते हैं ट्रू इवेंट्स, तो उस टाइप के मुझे एक कंटेंट लगा। तो मैंने बोला कि इस टाइप पे फिल्म बनानी चाहिए। फिर हमने एक्चुअली 2-3 मंथ्स हमने स्टोरी पे लिए और आज हमारा प्लॉट तैयार है, एक अच्छा कंटेंट है, लोगों को पसंद आएगा। सब्जेक्ट जो एक्चुअली इस पे मैं कुछ मैसेज दे सकूँ, एक नया आयाम है। एक्चुअली काफ़ी लोग फिल्म बनाते, कुछ कॉमेडी बनाते, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है फिल्म लाइन में, अच्छे कंटेंट हो, अच्छा मैसेज हो, लोगों को मेरी फिल्म से प्रेरणा मिले, एक्चुअली यही है। क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट अच्छे बनाऊंगा, लोग फिल्म देखेंगे, फिल्म देखने से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे। जिस तरह मैंने फिल्म देखे कुछ सीखा है, उस तरह मैं भी चाहता हूँ मेरी फिल्म को देखकर लोग सीखें। शूटिंग एक्चुअली मैं 10 अगस्त से लखनऊ में शूट कर रहा हूँ। वन शेड्यूल मेरा प्रोग्राम है कि वन शेड्यूल फिल्म को ख़त्म किया जाए, लेकिन मेरी फिल्म का जो कंटेंट है वो बहुत अलग है, उससे किसी भी धार्मिक समुदाय को ठेस नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेरा कंटेंट ही अलग है। ठीक, लखनऊ में शूटिंग करने का एक तो खुद, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने वहाँ पे लखनऊ में लोकेशन देखी, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं वहाँ के, जो काफ़ी जो गवर्नमेंट्स है वो फिल्म को बढ़ावा देती है। दूसरी चीज़ क्या है ना, मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो कंटेंट है, वो लखनऊ बेस है। इस फिल्म में है एक्चुअली मालती चाहर हैं और आपके उपेन पटेल, ये निशांत मलकानी, ब्रजेश करनवाल, सोनी सिंह, इस तरह के मेरे स्टार कास्ट है। इसमें एक प्यारी सी कवाली भी है, बड़ी अच्छी कवाली है जो लोगों को पसंद आएगी। और बेसिकली अब तो ये है कि जल्दी शूट पर निकलना है। बेसिकली सहयोग तो ये है कि बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं और मैंने बहुत से कम लोग देखे हैं जो इतने अच्छे हैं, जो अपनी टीम को, अपने डायरेक्टर को इतना अच्छा कोऑपरेट करते हैं। इवन अगर सारी चीज़ें वे खुद ही बोलते हैं, सर किस लेवल बनाने, काफ़ी डिस्कशन होता है, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया किस लेवल पर लेके जाना फिल्म को, आज कहाँ लेके जाना। इवन उन्होंने पूरा फ्रीडम भी दिया है कि क्या आपको क्या लोकेशन चाहिए, इवन किस तरह म्यूजिक चाहिए, सारी चीज़ें, मतलब बहुत जेंटलमैन पर्सन है। देखिए प्रमोशन की जो मेरी स्ट्रेटजी है वो भी क्लियर, लेकिन मैं प्रमोशन की स्ट्रेटजी भी ओपन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी क्या है ना, जो फिल्म बनने के बाद ही प्रमोशन का दायित्व तो आता है, लेकिन प्रमोशन की स्ट्रेटजी मेरी बहुत अच्छी है। जिस सर आपको ये, जैसे मैं शूट कर रहा हूँ उसके बाद आपको प्रमोशन की आईडी स्ट्रेटजी खुद मालूम पड़ जाएगी। नहीं देखिए ज़रूरी नहीं, अगर फिल्म में बड़े कलाकार ही हों तो भी फिल्म ना चले। रीज़न क्या है ना, फिल्म चलती है आज के टाइम में, आज पब्लिक बहुत काफ़ी होशियार हो गई है, पब्लिक कंटेंट देखती है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या है वो देखती है, फिल्म में मैसेज क्या है वो देखती है। मेरी फिल्म बेसिकली एक कॉम्बो पैकेज है जिसमें आपको तीनों चीज़ मिलेगी, आपको कंटेंट, एक मैसेज और एक इंटरटेनमेंट, तीनों चीज़ आपको मिलेगी इसमें। एक्चुअली सिचुएशन सॉन्ग है, एक लड़की के ऊपर है, एक हमने एक थोड़ा कवाली रखा है जिससे एक इमोशनली, क्योंकि आज के दौर में काफ़ी टाइम हो कवाली नहीं आ रही, वो दौर ख़त्म हो गया, हम उस दौर को वापस लाना चाहते हैं। बाकी एक रोमांटिक सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि फिल्म में हमने 4 सॉन्ग रखे हैं, फिल्म में एक चारों सॉन्ग का अपना एक फ्लेवर है।